हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा सलमान खान के नेक्स्ट मूवी के बारे में और उस मूवी का नाम है वांटेड 2। वांटेड सलमान की सबसे बड़ी हिट में से एक है। जब सलमान का करियर डाउन जा रहा था, अभी वांटेड मूवी ने उसके करियर को संभाला था। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि वांटेड के ऊपर एक केस चल रहा था और वो केस था कॉपीराइट का, और ये केस किया था बीरबल सिंह नाम के एक शख्स ने। उसका कहना था कि ये स्टोरी मेरी लिखी गई है, लेकिन बॉनी कपूर का कहना था कि इसके राइट मैंने पहले ही खरीद लिए थे। दरअसल दोस्तों, वांटेड 2 भी आने वाली थी, लेकिन ये कॉपीराइट केस की वजह से वांटेड 2 आ नहीं पाई। लेकिन खुशी की बात है कि 7 साल के बाद ये केस सॉल्व हो गया और ये केस बॉनी कपूर और श्रीदेवी ने जीत लिया, और बॉनी कपूर ने ये भी अनाउंस किया कि वांटेड 2 भी बनेगी, बस हमें और अच्छी स्क्रिप्ट की जरूरत है। दोस्तों, आप जानते तो होंगे कि वांटेड एक साउथ की रीमेक है, और साउथ में इस मूवी को किया था महेश बाबू ने, जो साउथ इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ी हिट थी। प्रभु देवा ने इसको हिंदी में बनाने का डिसीजन लिया। जब सलमान का करियर लो चल रहा था, तो वांटेड ने उसको बहुत बड़ी सक्सेस दिलवाई। खैर, 7 साल के बाद ये केस सॉल्व हो गया और बॉनी कपूर का टेंशन भी खत्म हो गया। तो दोस्तों, वांटेड 2 का इंतजार कीजिए, और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख पाए।